जनवरी, फरवरी, मार्च, समर सीजन। यूनेस्को की एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो डिसेबिलिटी सेक्टर के बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के रह जाते हैं। इनफैक्ट उसमें ये भी लिखा है कि उस पॉपुलेशन में गर्ल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो बच्चे डिप्राइव्ड रह जाते हैं किसी फॉर्मल एजुकेशन से। यूनेस्को ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की स्थिति कैसी है और वर्तमान में स्थिति बेहतर बनाकर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। रिपोर्ट में ये जानकारी दी है कि 19 साल से कम उम्र के करीब 7.8 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भारत में दिव्यांगों की संख्या के बारे में जो अनुमान लगाया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुमान के हिसाब से कम है। जो बच्चे या जो यंग एडल्ट्स स्पेशल नीड्स कम्युनिटी के अंदर आते हैं, जिनके पास कुछ यूनिक स्किल्स तो होती हैं लेकिन उनको दिखाने का मौका उन्हें शायद मिल नहीं पाता, या फिर हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ की कमी होती है कि हम उनकी स्किल्स को समझ नहीं पाते, उनके लिए अगर हम सोचें कि हम उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, एजुकेशन फॉर ऑल, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स की हेल्प की जाए, अपनी डिसेबिलिटी की वजह से जिन बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल्स में फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनके लिए ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पेरेंट्स से और सरकार से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट है कि इसको इनकरेज करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 साल के 3/4 दिव्यांग बच्चे किसी तरह के शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते, वहीं 5 से 19 साल के बच्चों में से 1/4 का भी यही हाल है। स्कूल जाने वाले ऐसे बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इनके स्कूल छूटते चले जाते हैं, और चौंका देने वाली बात ये भी है कि स्कूल जाने वाली दिव्यांग लड़कियों की संख्या दिव्यांग लड़कों की तुलना में काफी कम है। जो बच्चे बोल नहीं पाते, कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, इनकरेज करें। जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं खास करके, वो विजुअल लर्नर्स हैं, वो देख के बहुत अच्छा सीखते हैं, इसलिए उनके लिए जगह जगह पर पिक्टोरियल, पिक्चर के थ्रू सिखाने की कोशिश की जाती है। छोटे छोटे चेंजेस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कर दिए जाएं, सेफ्टी अवेयरनेस क्योंकि इन बच्चों में बहुत आराम से नहीं आती, तो डेंजरस सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए उनको सेफ्टी के बारे में सिखाने से लेकर हर जगह को चाइल्ड फ्रेंडली, सेफ फ्रेंडली बना दिया जाए। 2019 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी रिपोर्ट को पेश करते हुए यूनेस्को के नई दिल्ली के निदेशक एरिक फाल्ट ने बताया कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए भारत में पहले ही बहुत कुछ किया जा चुका है, लेकिन इस रिपोर्ट के साथ कई ठोस कदम उठाने होंगे।